देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। मीडिया श्रावस्ती न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रावस्ती जनपद में बीते 24 घंटे से हो रही मानसूनी बारिश राहगीरों के लिए आफत बनी हुई है। जिले के जमनाहा ब्लॉक के ककरदरी से पड़ोसी जनपद बहराइच की सीमा को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। कुछ स्थानों पर सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। देखने से पता ही नहीं लगता है कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क। नतीजतन बारिश से सड़क तालाब जैसा दिख रही है। वाहनों से सफ़र करना मुसीबत का सबब बन गया है। समस्या तब जटिल हो जाती है जब बड़े वाहन इन गड्ढों में फंस जाते हैं और जरा सा चूक पर बच्चे भी इन गड्ढों में गिरकर जख्मी हो जाते हैं। बरसात का पानी जमा होने की वजह से गड्ढों की गहराई का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। हालांकि इस क्षतिग्रस्त मार्ग के हालात को बदलने के लिए क्षेत्र के वार्ड सदस्य प्रहलाद सिंह एवं हिंदू वाहिनी के व जिला पंचायत सतीश गांधी सहयोगियों के प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन सड़क की अंतर्राष्ट्रीय सड़क भी जोड़ता है, फिर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ा हुआ है। देख रहे हैं इस रोड की हालत, तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब उपरेस से है और लगातार इसे 5 से 6 वर्षों से पूरी तरह से रोड डैमेज हो गई। हम 5-6 वर्षों से लगातार इस रोड के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन को जो है कई बार ज्ञापन भी दिया गया इस रोड को जो है बनाने के लिए, लेकिन कोई जू नहीं रहेगा। पिछले वर्ष इसकी जो है सरकार द्वारा एक घोषणा की गई थी कि राजकीय राजमार्ग 156 के तहत इसको जो है राजमार्ग का दर्जा दिया गया था, लेकिन पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कहाँ सो रही है या यहाँ के जनप्रतिनिधि इस जनपद के कहाँ सो रहे हैं, कोई समझ नहीं। आप देख लीजिए रोड की क्या स्थिति है। इसमें आए दिन अक्सर गाड़ियाँ फंसी रहती है। देखिए उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, अक्सर गाड़ी फंसी रहती है और हम लोगों का तो जीना दूभर हो गया। मोटरसाइकिल वाले और पैदल वाले तो चल ही नहीं पाते, इतनी स्थिति ख़राब है, मजबूरी में जा रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है, गाड़ियाँ जो है लगातार जो है इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि कोई छोटी मोटी गाड़ियाँ तो अक्सर फंस जा रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने स्तर से जो है पहुँचाइए इस चीज़ को। अब जनता तो परेशान हो गई है, अगर यही स्थिति रही तो 2022 में जरूर जवाब देगी।